हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है धौलधार एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है दिल्ली सराय रोहिला से पठानकोट जंक्शन पंजाब के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, धौलधार एक्सप्रेस जो है हफ्ते में 3 दिन चलती है दिल्ली सराय रोहिला से। हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये पठानकोट जंक्शन के लिए रवाना होती है। धौलधार एक्सप्रेस जो है मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इस ट्रेन का नंबर है 14035। 9 घंटे 10 मिनट में ये दिल्ली से पठानकोट की दूरी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 18 स्टेशन हैं, 492 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 54 किलोमीटर पर आवर। ये नॉर्दर्न रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है। अगर धौलधार एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में बात की जाए तो ये मैं जो अभी आपको धौलधार एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊँगा वो दिल्ली सराय रोहिला से पठानकोट जंक्शन पंजाब तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। फर्स्ट एसी का जो किराया वो है 1860 रुपये, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और जीएसटी चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड एसी के कोच भी हैं, जिसका किराया जो है तकरीबन 1100 रुपये है। इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और जीएसटी चार्ज शामिल होता है। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसलिए इसमें कोई सुपरफास्ट चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी है, जिसका किराया जो है 770 रुपये के करीब है। इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और जीएसटी चार्ज जोड़ा जाता है। इसके अलावा धौलधार एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं, जिसका किराया जो है लगभग 290 रुपये के करीब है। इस किराए में रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज जोड़ा जाता है, इसमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा धौलधार एक्सप्रेस में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है लगभग 150 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर भी कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दिल्ली सराय रोहिला से पठानकोट तक चलने वाली धौलधार एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। ये जो ट्रेन है दिल्ली सराय रोहिला से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात के 11:15 पर रवाना होती है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है। और इसके तकरीबन 18 स्टेशन है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दिल्ली के दूसरे स्टेशन शकुर बस्ती में रात के 11:29 पर पहुंचती है और 11:31 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में ये रात के 11:48 पर पहुँचती है और 11:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन जो है रुकती है। रोहतक जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 12:24 पर पहुंचती है और 12:26 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जींद जंक्शन में रात के 1:07 पर पहुंचती है और 1:09 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नरवाना जंक्शन में पहुँचती है रात के 1:32 पर और 1:34 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद धौलधार एक्सप्रेस जो है वो हरियाणा के आखिरी स्टेशन जाखल जंक्शन में पहुंचती है रात के 2:25 पर और 2:27 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पंजाब में एंटर करती है। पंजाब में ये लहरा गागा स्टेशन में रात के 2:40 पर पहुँचती है और 2:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। पंजाब के सुनाम स्टेशन में ये ट्रेन जो है 3:08 पर पहुंचती है और 3:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। संगरूर में ये ट्रेन जो है 3:31 पर पहुंचती है और 3:33 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। धूरी जंक्शन में ये रात के 3:53 पर पहुंचती है और 7 मिनट बाद 4 बजे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद धौलधार एक्सप्रेस जो है वो मलेरकोटला स्टेशन में सुबह 4:14 पर पहुंचती है और 4:16 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। लुधियाना जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 5:03 पर पहुंचती है और 5:13 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जलंधर सिटी जंक्शन में पहुंचती है। जलंधर सिटी जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 6:02 पर पहुँचती है और 6:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पंजाब के टांडा उर्मुड़ में सुबह 6:41 पर पहुंचती है और 6:43 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद धौलधार एक्सप्रेस जो है वो अपने 16वें स्टेशन दसुआ पंजाब में सुबह 6:56 पर पहुंचती है और 6:58 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मुकेरिया, जो कि इसका सेकंड लास्ट स्टेशन है, यहाँ पर ये सुबह 7:14 पर पहुँचती है और 7:16 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद धौलधार एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन पठानकोट
जंक्शन में सुबह 8:25 पे पहुंचती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो जर्नी है 492 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ धौलधार एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।